दोस्तों जियोनी ने लॉन्च कर दिया है अपना जियोनी मैक्स प्रो, जो कि 32 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। 3 GB की रैम है, 3 कलर ऑप्शन है इसका, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप सभी को जियोनी मैक्स प्रो के बारे में सभी स्पेसिफिकेशंस डिटेल में बताता हूँ, इसकी प्राइस एंड इसके फीचर्स। तो जनरली पहले बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो आपको फ़ोन के साथ जो है यहाँ पे चार्जर, USB केबल, स्क्रीन गार्ड, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा। मॉडल नंबर इसका मैक्स प्रो है, इसमें आप डुअल सिम लगा पाएंगे एंड इसमें जो है आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के एक्सपैंड भी कर सकते हैं। स्टोरेज को यहाँ पे OTG केबल के साथ भी ये जो है कंपैटिबल है, आप जो है रिवर्स चार्जिंग कर सकते हैं इस फ़ोन से। डिस्प्ले फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है इसका 6.52 इंच का है, जिसके रेजोल्यूशन HD+ है, यानी 1560x720 पिक्सल्स की जहाँ पे आपको जो है रेजोल्यूशन इसके डिस्प्ले की देखने को मिलेगी। OS एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें Android 10 देखने को मिलेगा। क्लॉक स्पीड जो है 1.6 GHz का है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है एंड जो इसमें प्रोसेसर मिलता है वो आपको ना ही स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा, ना ही मीडियाटेक का है। स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे नाम से जो है एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक चाइनीज प्रोसेसर है, स्पेक्ट्रम इसका नाम है। तो इस फ़ोन में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इससे अच्छा जो है मीडियाटेक के प्रोसेसर होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक चाइनीज प्रोसेसर है। मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स की बात की जाए तो आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 3 GB की रैम मिलेगी, 256 GB तक एक्सपैंड कर पाएंगे आप। यहाँ पे जो है कैमरास की बात की जाए तो 13 MP का आपको पीछे की तरफ मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड 2 MP का आपको जो है बोके इफेक्ट के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा मोड्स में आपको स्लो मोशन मोड मिलेगा, बोके इफेक्ट, HDR मोड, पैनोरामा मोड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी में आप जो है 4G, VoLTE, 3G, 2G सभी यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। गूगल क्रोम आपको प्री इंस्टॉल इसमें देखने को मिलेगा। ऑडियो जैक देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आप जो है FM रेडियो को भी इसमें एक्सेस कर पाएंगे। 6000 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में, तो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 6999 rupees है, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो है प्रोसेसर एक अच्छा देखने को नहीं मिलता है मैं कहूँगा, क्योंकि जो है स्पेक्ट्रम एक चाइनीज कंपनी का प्रोसेसर है। इस प्राइस 7000 के प्राइस पॉइंट में आप देखेंगे तो मीडियाटेक के बहुत अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे जो है ये प्रोसेसर सही नहीं रहेगा। जियोनी मैक्स प्रो आपको कैसा लगा मुझे अपने ओपिनियंस शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।